दोस्तों आपने अक्सर दुबले पतले लोगों को जिम में हैवी डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हुए देखा होगा, तो हो सकता है आपके मन में ख्याल आए हो कि आखिर आपकी डेडलिफ्ट या कह लीजिए आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रही। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो हो सकता है आप अनजाने में करते हो, जिसकी वजह से आपकी जो डेडलिफ्ट है वो नहीं बढ़ पा रही। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक की, जो कि है नॉट डूइंग इट विद प्रॉपर फॉर्म। देखिए दोस्तों, डेडलिफ्ट एक ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें हमारी बॉडी की ओवरऑल सभी मसल्स यूज होती है, एंड अगर इसे सही फॉर्म से नहीं किया जाए तो ये एक मेजर इंजरी भी दे सकती है, एंड इसीलिए ही इसे डेडलिफ्ट कहा जाता है। एंड साथ ही जब तक आपकी फॉर्म ही सही नहीं होगी, यानी उस फॉर्म में जिसमें आपकी बॉडी अपनी मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकती है, तब तक अपनी डेडलिफ्ट को इंक्रीज आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी फॉर्म को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। आपको YouTube पर बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे डेडलिफ्ट की फॉर्म के रिगार्डिंग। तो बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, जो कि है नॉट डूइंग ए प्रॉपर वार्म अप। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की कि डेडलिफ्ट में हमारी बॉडी की ओवरऑल सभी मसल्स यूज होती है, इसलिए आपको हमेशा डेडलिफ्ट से पहले एक प्रॉपर वार्म अप रूटीन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए एंड आपका जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए इस हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज को करने के लिए। एंड साथ ही दोस्तों, वार्म अप करने से आप इंजरी से भी बच सकते हैं। सो इसलिए दोस्तों, मेक श्योर आप डेडलिफ्ट से पहले एक अच्छा वार्म अप जरूर कीजिएगा अपनी फुल बॉडी का। चलिए बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की, जिसका नाम है नॉट टेकिंग प्रॉपर रिकवरी। देखिए, बहुत से लोग डेडलिफ्ट अच्छे से करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बट उनकी डेडलिफ्ट इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि वो अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं देते। देखिए, जब तक आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा वो आखिर कहां से ग्रो होगी। तो इसलिए आपको मिनिमम 7-8 आवर्स की स्लीप के साथ साथ एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देनी है अपनी बॉडी को, जिससे कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। जो आपकी बॉडी के डेडलिफ्ट के दौरान जो मसल टिश्यूज ब्रेक डाउन हुए हैं वो अच्छे से रिकवर हो सके एंड ग्रो हो सके। एंड साथ ही आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन के साथ साथ प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोवाइड करने हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों, आपको मेक श्योर आप दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी मसल्स में अप्रोक्स 70% के आसपास वाटर कंटेंट होता है। तो बात करते हैं फोर्थ मिस्टेक की, जो कि है मेकिंग एवरी डे अ डेडलिफ्ट डे। बहुत से बिगिनर ये सोचते हैं कि अगर वो हर दिन डेडलिफ्ट परफॉर्म करेंगे तो उनकी डेडलिफ्ट बढ़ने लगेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि डेडलिफ्ट एक हैवी कंपाउंड एक्सरसाइज है, इसलिए इसे डेली परफॉर्म करने से हमारी बॉडी पर काफी स्ट्रेस आता है, हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उस पर भी काफी स्ट्रेस आता है। इसलिए मेक श्योर आप हफ्ते में मैक्सिमम 2 डेज ही डेडलिफ्ट परफॉर्म कीजिए एंड अपनी बॉडी को रिकवर होने का टाइम दें। फाइनली बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, जो कि है परफॉर्मिंग रॉन्ग रैप रेंज। देखिए, कुछ लोग डेडलिफ्ट को इंक्रीज करने के लिए 8 रैप्स या उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने लगते हैं, जो कि एक हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट है बट स्ट्रेंथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। स्ट्रेंथ के लिए हमें हमारी बॉडी के फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स के टाइप 2B फाइबर्स को ट्रेन करना जरूरी है, जो कि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इन्हें ट्रेन करने के लिए आपको अपनी मैक्सिमम डेडलिफ्ट के 70-80% वेट के साथ 3-5 रेपिटेशंस परफॉर्म करने होते हैं, साथ ही आपको अपने सेट्स को भी इंक्रीज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेडलिफ्ट मैक्स 100 kg है तो आपको उसका 70-80% यानी कि आप अप्रोक्स 75 kg से 3-5 रेपिटेशंस की रेंज के बीच में आपको परफॉर्म करने हैं ऑफ अराउंड 4-5 सेट्स, एंड उन सेट्स के बीच में जो रेस्ट होना चाहिए वो आपका 2-5 मिनट्स के बीच में होना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी के जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स है वो अच्छे से ट्रेन होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको टोटल 5 ऐसी मिस्टेक्स बताई जो जनरली लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेडलिफ्ट या स्ट्रेंथ उनकी नहीं बढ़ पाती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे फिट।